ऐसे कुछ, कुछ 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 इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव इफेक्ट इस दुनिया के अंदर होता है इवेंट ठीक है अब मैं इसका दे देता ऐसा समझ जाएगा तुम्हें क्योंकि देखो हर इंडस्ट्री के अंदर ये डिफरेंट रहता है फुटबॉल के अंदर इसका सबसे बड़ा अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दू कि फुटबॉल की प्रॉबेबली हिस्ट्री के अंदर सबसे बड़ा कास्कियल इफेक्ट कहां से शुरू हुआ था इट वॉज ने अभी की तुम जो फुटबॉल वाइज दुनिया में जी रहे हो ना है ना सब कुछ इज अ रिजल्ट ऑफ नेम आर लिविंग बार्सिलोना लिटरली एवरीथिंग और ये ये चीज मैं इसके एक आधे घंटे की वीडियो बन सकती है प्रॉपर मैं तुम्हें तो सही में बता रहा हूँ अब मैं लगी हुआ तो मैं समझा देता तो हूँ कि क्या जैसे लिवरपूल विनिंग ई ये काफी अंडरस्टैंडेबल है यू नो बायन सिक्स टू प्ले जीतना मेसी का मेसी का पीएचडी जाना बारसा छोड़ के मैनचेस्टर यूनाइटेड में रोनाल्डो की वापसी दिस इज ऑल अ रिजल्ट ऑफ नेमार आर लिविंग बार्सिलोना एवरी थिंग लिटरली हाँ मैं तो मैं एक अगर मैं एक डायरेक्टली जल्दी से प्लाट डॉट्स कनेक्ट करके समझाऊँ जिन लोगों को अभी तक समझ नहीं आया कि नेमर ने मारने से लोना छोड़ी थी दो सौ बाईस मिलियन उस पैसे की हवस में बांध ने कुत्तों की तरह टीम प्लेयर्स खरीदे थे है ना डॉट में पैसे दिए थे याद है डेम्बेले लेकर आए थे कुतिनियो खरीदा था बहुत महंगे में हाँ लिवरपूल से पैसे लेकर आए थे तो लिवरपूल डमेलए का अलग डॉटमेंट का अलग इफेक्ट शुरू हो जाता उसके बाद लेकिन अगर मैं लिवरपूल तक रुकूं तो लिवरपूल ने फिर उस पैसों से एलिसन बेकर और वर्जिल वन लिया था जिसके बाद उनके डिफेंस स्ट्रांग हो गए थे देन दे व ई पी एल एंड ऑल्सो यू जी हाँ तो समझ आ गया तुम तो लोगों को कि हाउ ही ही मतलब नेमार का बादशाह छोड़ना इफेक्टेड फुटबॉल इतना ज्यादा और बाकी हाँ और बहुत मैंने बोला आधे घंटे की वीडियो बन सकती है कि कैसे अभी भी हम जिस इफेक्ट में जी रहे हैं दैट इज ऑल रिलेटेड टू नेमार लिविंग बासलोना इतना समझ आ गया अब हम इस वीडियो में एक ऐसे ऐसे ट्रांसफर की बात करेंगे जो इस साल का सबसे बड़ा ट्रांसफर होगा क्यों क्योंकि वो भी एक ऐसा कैस्केडिंग इफेक्ट स्टार्ट कर देगा कास्केट इफेक्ट जो मर्जी जो भी होता है जो भी चुते आप वो स्टार्ट कर देगा यस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट एंड वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नहीं मैं तुम्हें लाइक एंड सब्सक्राइब करने को नहीं बढ़ा क्योंकि तुम लोग कतई आलसी हो कर ही नहीं रहे कर दो यार इतना ही सोच साथ के कम ऑन गो डाउन देयर और सब्सक्राइब मारो प्लीज लेकिन हाँ जो दूसरी चीज मुझे तुम लोगों को कहनी थी सब्सक्राइब करके पहले जाके। जो दूसरी चीज मुझे कहनी थी कि ये वीडियो एक इज अ पॉसिबिलिटी इट इज अ पॉसिबिलिटी बट ये कुछ पक्का नहीं है कि ऐसा ही हो रहा है ठीक है गाइज तो इसके ऊपर प्लीज पैसे मत लगाना सट्टा सुट्टा मत खेलना इस वीडियो के ऊपर लेकिन यस दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग सो वॉट प्रॉबेबली इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट ट्रांसफर दिस ईयर ये कैसी आवाज आ रही है नीचे से ठीक है जो यू गैस एम्बापे गोइंग टू बासा या इज इट समथिंग एल्स तो इन सभी का आंसर है नो द बिगेस्ट पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी टू इज गोइंग टू बी मोरिशियो पोशिटीनो टू मैंचेस्टर यूनाइटेड जी हाँ यस यू हर्ड मी राइट यू हर्ड मी राइट और इस एक ट्रांसफर की वजह से देर इज अ वेरी हाई प्राइवरिटी कि वी कैन सी मेसी एंड रोनाल्डो प्ले इन द सेम टीम वी कैन सी मेसी एंड रोनाल्डो प्ले इन द सेम टीम इन द लास्ट ईयर ऑफ देयर करियर तुम सोच सकते हो कि इस ग्रेटेस्ट राइवलरी इन स्पोर्ट की ये एंडिंग होती है कि वो दोनों इवेंचुअली एक टीम में खेलते हैं ओके तो बेसिकली होने क्या वाला है ये क्या हो सकता है अगर हम इसकी बात करें तो लेटेस्ट टॉक अबाउट द करंट सिचुएशन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड एक मैनेजर ढूंढ रही है जिसके अंदर द टू लीडिंग पीपल आर एंड मशो पोचिटीनो जी हाँ ये दोनों है और मोर्शो पोचिटीनो आई हैव नो आइडिया वाई कि वो कैसे क्वालिफाई कर रहा है लाइक ओके ठीक है मैं इसके बाद आई एम नो वन टू कॉमेंट ऑन इट बट ठीक है वो है तो ही इज द लीडिंग पर्सन और वो एरिक्टन हैं के ऊपर है जी हाँ अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट तो भाई इट इज लाइक कंफर्मड है कि ही इज गोइंग टू जॉइन मैनचेस्टर यूनाइटेड बट ठीक है ही इज करेंटली एट पी एच जी जहाँ पर वो ने मारे बापे और मैसी इन तीनों को कोच कर रहा है और हो नहीं रहा उससे बट ठीक है ही इज देयर करेंटली एंड लेटेस्ट से कि ही डिसाइड्स टू लीव पी एच जी ज्वाइन मैनचेस्टर यूनाइटेड मैचेस्टर यूनाइटेड के अंदर अभी अग, अग मैं अगर तुम एक सिचुएशन बताओ तो रोनाडो ने इस काइंड ऑफ हैज़ मेड क्लियर कि भाई अगर यू नो हिज फ्यूचर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड इज एक्चुअली बेस्ड कि भाई उनका फ्यूचर प्रोजेक्ट कैसे चलता है कि मैनेजर कौन सा लेकर आते हो और मतलब यू सी एल या फिर यूरोपा लीग में क्वालिफाई करते हो नहीं करते उस हिसाब से उसका फ्यूचर डिसाइड डिपेंड करेगा जी हाँ अभी तक की सारी न्यूज यही कह रही हैं तो लेटर से एक पॉसिबिलिटी है कि हाँ उसका डिपेंड करता है बस अब मैनचेस्टर यूनाइटेड को तुम अभी के लिए भूल जाओ कमिंग ऑन टू यू नो पी एच डी जहाँ से मोरिशो पोशीनो हैज नाउ गॉन टू मैनचेस्टर यूनाइटेड तो दे विल लुक फॉर अ न्यू मैनेजर जिसके लिए क्लोजेस्ट पर्सन इज जीनेड इन जी हाँ जीनेड इन फुटबॉल का कतई हंटर ले लो भाई कौन था वो मुझे नहीं पता मैं भूल गया सहसन जो गंजू होता है या तो समझ रहे हो ना बस ठीक है तो ही माइट एक्चुअली ज्वाइन पी एच डी जो कि एक बहुत बड़ा चांस है अपने आप में क्योंकि वो लोग सही में रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं पोशिटैनी को पोशिटीनो जो भी होता है विद जिनेड इन

ना लेट एस से ही डिसाइड्स टू स्टे इफ ही डिसाइड टू स्टे देन जो दूसरी बड़ी चीज होने वाली इन द वर्ल्ड ऑफ फुटबॉल इज अर्लिंग हारलैंड रियाल मैड्रिड अर्लिंग हारलैंड ज्वाइनिंग रियाल मेड्रिड इज अग इन इट सेल्फ यूज थिंग क्योंकि तुम, क्योंकि इससे ना बासा का प्रोजेक्ट पूरी की पूरी तरह चेंज हो जाता है ई पी एल का प्रोजेक्ट पूरी पूरी तरह चेंज हो जाता है यू नो मैंचेस्टर सिटी लुकिंग फॉर अ स्ट्राइकर और अगर उन लोगों को अर्लिंग हाल नहीं मिलता तो देन दे आर गोइंग टू एक्चुअली साइन समवन एल्स विच कुड प्रोबेबली बी यू नो हैरी केन जिसकी वजह से हैरी केन का रिप्लेसमेंट माइट बी अनदर बिग स्ट्राइकर फ्रॉम द वर्ल्ड मतलब वो तो समझ रहे हो हो वो अपने आप में फिर एक एक बहुत बड़ा इफेक्ट शुरू जाएगा तो दैट इज दैट इज समथिंग एल्स बट येस एक दूसरी पॉसिबिलिटी है कि यू नो किस टू लीव पी जिसके अंदर वॉट इज गोइंग टू हैपन इज कि भाई वो छोड़ेगा पी एच इज गोइंग टू जॉइन रियल आर मेडेड फॉर फ्री नाउ एच एक ऐसी टीम है हु एक्चुअली केयर अबाउट इट्स स्पोर्टिंग प्रोग्राम नो दे डोंट गिव अ फक टू बी ऑनेस्ट नहीं उनको बस ये है कि इमेज किस हिसाब से बढ़ती है और ज्यादा पैसा कैसे आएगा मैनचेस्टर यूनाइटेड जहां पर मोरिशो पॉचिटिनो है देर इज अ वेरी हाई चांस कि वो लोग इस अगले सीजन यूसीएल ना खेल रहे हो एक, एक चांस है यार एक चांस है ठीक है लेट्स टॉक अबाउट इट तो इसके अंदर अंडर मोरिशो पॉचिटिनो आई डोंट सी यू नो रोनाडो सिंग बिल्कुल नहीं रुक रहा वो कतई नहीं रुक रहा इफ ए डिसाइड टू लीव ही वुड लाइक टू गो टू अलब जो कि चैंपियनशिक फुटबॉल खेल रहा है और चैंपियनशिक फुटबॉल खेलता हुआ ऐसा कौन सा क्लब है जो रोनाल्डो को अपनी टीम में लेना चाहेगा नहीं पड़ रहा पी एच जी पी एच जी वु लर्व टू टेक रोनाल्डो अपने फाइनल ईयर के अंदर बिकॉज दे डोट गिव अक मेसी बुड्ढा हो चुका है रोनाल्डो बुड्ढा हो चुका है नेमर भी होगा उनके पास सो इट इज लाइक मेसी रोनाल्डो नेमर हमारी जनरेशन के तीनों ग्रेटेस्ट प्लेयर वुड बी प्लेइंग इन द सेम टीम अपने तीनों के ही करियर के फाइनल ईयर में नेमर ने क्लियर कर दिया वर्ल्ड कप के बाद उसका मन नहीं है और आगे एक दो साल खेलेगा वो प्रोबेबली मेसी का फाइनल ईयर उसके बाद वो यूएसए चला जाएगा रोनाल्डो का यू नेवर नो हो सकता है खेलने को वो 40-50 साल की उम्र तक खेल जाए इज अ पर्सन लाइक दैट लेकिन प्रोबेबलिटी ज्यादा चांसेस है कि वो करियर उसका लास्ट साल होगा उसके करियर करियर का लास्ट साल होगा तो हमारी क्या राइवलरी जो ये राइवलरी ग्रेटेस्ट राइवलरी हमारी स्पोर्ट के अंदर It would have the most beautiful ending possible, and this will all happen if Mauricio Pochettino joins. मतलब <laughs> तो बेसिकली समझ रहे ओले के फायर अगर हम देखें तो ओले के फायर होने से इट इज ऑल started, इट इज ऑल started और ये भी इवेंचुअली एक तरीके से देखा जाए मच्छर का मच्छर ये भी देखा जाए तो ये भी नेमर का ही इफेक्ट है एक तरीके से हम देखा जाए बट क्योंकि मैं निहायती वेला था और मेरे को और ये ये आइडिया एक्चुअली में कहाँ पे हाँ कि लाइफ पे आया था चार लपाटों के साथ बिग शॉट आउट टू तो चार लपाटे बट हाँ तो बेसिकली मेरे को मेरे को लगा कि यार ये बात के ऊपर तुम्हारा भी टेक लेना बनता है यार वॉट डू यू गेस फील कैन दिस एक्चुअली हैपन मेरे को सही में तुम लोगों का ओपिनियन चाहिए एंड इफ दिस हैपन्स देन हु इज द बिगेस्ट विनर एंड बिगेस्ट लूजर आई थिंक रियल मेड्रेड इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट विनर फ्रॉम दिस क्योंकि ये एक्चुअली एक चांस खोल देगा कि बोथ हाल एंड एम्बापे कैन एक्चुअली ज्वाइन रियल मैंड्रेड

बेसिकली यू गाइस गेट इड तो जी हाँ कतई नहायती वेली वीडियो थी है मुझे मैंने बस बना दी मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये टॉपिक तो मैंने बना दी जी हाँ अगर तक अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर दो गाइज एंड बस मुझे बताना भूलना तुम्हें कैसा लगता है बस क्या क्यों ही करा है मैंने ये नो आइडिया बाय गाइज टेक केयर